बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। आसमा फूड 786 चैनल में खुश आमदी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। बहुत इजीली बन जाते हैं। जस्ट करना क्या, आपने फ्रेंड इस वीडियो को फॉलो कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कॉमेंट्स भी कर देना है। सो फ्रेंड, इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमने कुछ मसाले जो हैं वो अपने आलू के मसाले के अंदर ऐड करने हैं। उसमें हम बात करें तो यहाँ पे हाफ टी स्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर जो है वो इसमें डालना है। उसके बाद ये 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हाफ टी स्पून फ्रेंड हम इसमें जो है वो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून फ्रेंड हम इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें जो है वो ज़ीरे का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम फ्रेंड इसमें जो है वो नमक का ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो धनिया का ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो पुदीने का ऐड कर देंगे। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे मीडियम साइज़ के हमने 2 जो हैं वो आलू ले लिए, ठीक है। इनको हमने बॉयल करके मैश कर लिया। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, तमाम के तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि हमारा मसाला जो है पराठों का वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे फ्रेंड हमारा मसाला जो है आलुओं का बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो। सो फ्रेंड इस साइज़ के हमने जो है वो पेड़े बना लेने हैं, ठीक है, और पराठे के हमने इस साइज़ के 2 पेड़ ले लेने हैं, ठीक है। इनको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक को हमने यहाँ पे बेल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस पर आटा अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बेल लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों साइडें जो हैं वो बेल ली हैं अच्छे से और अब हम इसमें जो है अपना आलू का जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। इसको हमने जो है वो कोशिश करना है मिड में ही हमने इसको ऐड करना है और इसके ऊपर जो है हम दूसरा साइड जो है वो भी, अब इसके ऊपर हमने दूसरी साइड जो है पराठे के इसको अप्लाई कर देना है और इसको बिल्कुल हमने जो है वो नरम हाथों से अब इसको हमने बेल लेना है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने तवे को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें जो है अपना पराठा वो तवे पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है पराठा वो हमने बेल लिया इसको और इसको अब हमने मीडियम फ्लेम पे जो है वो पका लेना है। सो फ्रेंड यहाँ पे हम इस पर जो है वो ऑयल को अप्लाई कर देंगे। आप अगर चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हम इसको जो है अब वो पलट लेंगे, इसके साइड को हमने चेंज कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे पराठे की जो है वो लुक आ चुकी है। अब हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो और अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसमें फैलाव भी आ चुका है और इसी तरह हमने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है और इसको आप जो है वो चाय के साथ सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और दिन की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियसली ये तैयार हो चुका है। मैं इसको आपको अंदर से भी चेक कराता हूँ कि कितना ये ज़बरदस्त और बिल्कुल मक्खन की तरह जो है वो बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से आप जो है आलू के पराठे को बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। जस्ट आप इस वीडियो को फॉलो कर लें और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।